तेली, बहुत अच्छी न्यूज है। क्या? पहले मुझे ये प्रॉमिस कर कि मुझे बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा कोई। ना न्यूज सुनाने के बाद। गिफ्ट? मतलब ऐसी क्या बात है? भूमि, तू अब खुल के प्यार कर सकती है। रिया, तू ये क्या कह रही है? मेरी अरेंज मैरिज हो रही है। तुम ये प्यार व्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। है, और मुझे यकीन है कि मैं मान के साथ बहुत खुश रहूंगी। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होगा, और मान से ज्यादा खुश तुझे और कोई नहीं रख सकता। प्यार हो गया तुमसे मिस भूमि, आई लव यू। पौधा तुम्हारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम नेचर से कितना प्यार करती हो। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी, आफ्टर ऑल मुझसे इतना प्यार जो करती हो। नहीं, मैं इस वक्त अंश के बारे में नहीं सोच सकती। रिया, तुम तो पानी लेने गई थी ना। तूनी तो पानी वाली छोड़, अब तो शैंपेन खोलने का टाइम आ गया है। रिया, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना मुझे सब पसंद नहीं है। भूमि, तू और तेरे ये वैल्यूज, इसी वजह से तूने अंश को मना किया था ना। तुम्हें कैसे पता चला अंश के बारे में? तूने मुझे सौरभ ने बताया, अंश तुझसे कितना प्यार करता है। और तूने अपनी शादी की वजह से उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया। मेरी शादी तय हो चुकी है। रिया प्लीज, मुझे आज अंश इन सब बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। अंश, अंश, तुझे पता भी क्या हुआ? क्या हुआ? वो अंश मान, बड़ी माँ, सौरभ, हमें मान से कुछ बात करनी है। जी बो, अंश, हाँ, मैं तुझसे बाद में मिलता। ओके। मान, हम जानते हैं पिछले कुछ दिन हम सबके लिए बहुत मुश्किलों भरे गुजरे, पर हमें यकीन है कि आज की ये खुशी उन सारे गमों को भुला देगी। मान, हमें बहुत खुशी है कि तुमने हमारे फैसले की इज्जत रखी और हमारी मनपसंद लड़की से शादी करने को राजी हो गए। 25 साल से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हम बता नहीं सकते कि तुम्हें दूल्हे के रूप में देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। कुछ रिश्ते हम चुनते हैं, कुछ रिश्ते किस्मत चुनती है हमारे लिए। ये रिश्ता भी ऐसा ही है जहां किस्मत तुम्हें एक कर रही है। देखना, ये लड़की तुम्हें बहुत खुश रखेगी। एक दिन तुम खुद ही कहोगे मुझसे कि वाकई इससे अच्छी जीवन साथी तुम्हें मिल ही नहीं सकती।
कहिए। आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? भाभी माँ, हमने आप पर इतना भरोसा किया, हमारे दोनों बच्चों को आपके घर में ब्याह रहे हैं, फिर भी आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने क्या किया राजेंद्र जी? भाभी माँ, हमने आपके परिवार और आपकी अच्छाई को देखकर बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी का रिश्ता आपके यहाँ तय किया था, आंख मूंद कर आप पर भरोसा किया था। हाँ। उसके बावजूद आपने हमें मान की गलत तस्वीर भेज दी और हमें इतना बड़ा धोखा दिया। देखिए, आप लोग साफ शब्दों में बात करेंगे तो हमें बात आसानी से समझ में आएगी। हमने कोई धोखा नहीं दिया, कोई गलत फोटो नहीं भेजी। अगर आपने धोखा नहीं किया है तो फिर ये क्या है? कौन है ये?